हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी फैशनेटिव। आई एम योर फ्रेंड सृष्टि। सो आई एम बैक विथ माय हॉल वीडियो। बहुत टाइम बाद मैं हॉल वीडियो लेकर आई हूँ। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो, पहले तो आप लोग मुझे ये बता दो कि आप लोगों को मेरी केरला व्लॉग्स कैसी लगी। आप लोगों ने कॉमेंट्स तो ज्यादा दी करे नहीं है उस पर, एंड इवन व्यूज भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो प्लीज सर, थोड़ा केरला ब्लॉग्स में भी थोड़े अपने व्यूज थोड़े दो यार, और मुझे बताओ कॉमेंट्स में कि आप लोगों को मेरे केरला ब्लॉग्स कैसे लगे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, तो आप लोगों को पता ही है हर जगह सेल तो चल ही रही है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, एवरी साइट है सेल गोइंग ऑन। सो अब सेल चल रही है तो कुछ तो शॉपिंग करनी बनती है ना, तो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। सो आज मैं आपको दिखा रही हूँ मिंत्रा हॉल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई हैव ऑर्डर वर्सेस व्हाट आई हैव रिसीव्ड, क्योंकि ये बहुत ही ना यूट्यूब पे बहुत ही ट्रेंडिंग थिंग आई थिंक आई फील है, क्योंकि सबको इंटरेस्ट रहता है ना कि हम लोग को बेसिकली साइट में जो दिख रहा है वो बेसिकली मिलने पे कैसा लग रहा है। सो ठीक है, हॉल बेसिकली यही होते हैं। सो बस मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ कि मैंने मिंत्रा से क्या लिया है, एंड आई विल शो यू व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड एंड बस इज व्हाट आई हैव रिसीव्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहली चीज है ना जो मेरा जिसपे मेरा दिल आ गया, वो है बहुत ही सिंपल सी बट प्यारी दिस टी शर्ट। दिस इज अ क्रॉप टी शर्ट, और यहाँ पे इसकी यहाँ पे लिखा है, भी उल्टा दिख रहा होगा बट यहाँ पे लिखा है रोमांटिक, एंड ये पिंक कलर में है, एंड दिस इज द ब्रांड फ्रॉम हुग एंड कीच, एंड दिस इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड, तो उसका तो कोई दिक्कत थी नहीं। एंड ये मैंने साइज एस में मंगाया है, एंड फैब्रिक क्वालिटी इज गुड, बट द प्राइस आई पेड, यस प्राइस सेल पे ना इतना सस्ते में मुझे मिल गई ना। ये टी शर्ट मेरी काफ़ी टाइम से नज़र थी, एंड ये मुझे सेल पे 250 में मिल गई है। सो आई रियली लाइक दिस टी शर्ट, क्वालिटी अच्छी है इसकी। एंड आई रियली लाइक द कलर। सो नथिंग फैंसी अबाउट दिस टी शर्ट, बस एक सिंपल सी टी शर्ट है, बट यस यू कैन स्टाइल इट इन मैनी वेज लाइक। सो ठीक है, मुझे ये टीशर्ट बहुत अच्छी लग रही है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट। सो नेक्स्ट जो चीज मैंने ली है ना, वो मैंने ऐसे पता नहीं क्यों ही मैंने बस मुझे लगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, और मैंने H&M का ये लेगिंग्स मंगाया है। बेसिकली ये H&M की लेगिंग्स है जिसका प्राइस है आई गेस 699, एंड मुझे सेल पे ये 629 पे मिल गई। सो आई वॉन्टेड टू गिव इट अ शॉट, क्योंकि वैसे मतलब आई कैन ऑब्वियसली स्टाइल दिस इन जिलियन वेज की लेगिंग्स, एंड बहुत ही कंफर्टेबल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इस लेगिंग्स की। एंड इसके साथ मैंने एक और चीज़ मंगाई है, सो यस। सो इसी के साथ ना मैंने H&M का ये क्रॉप टी शर्ट मंगाया है जिसका प्राइस आया कि 399, और ये मुझे 359 में मुझे मिल गया। सो ये बेसिकली मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मैं एक इसको एक कॉट सेट की तरह पहनूंगी विद वाइट शूज, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कैसे इसको स्टाइल किया हुआ है। सो बेसिकली मुझे ना ये दिमाग में था, ये लाइक मेरे दिमाग में ये जिम वेयर, इवन मैं बहुत तरीके से इसको स्टाइल कर सकती हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो टी शर्ट मुझे बस थोड़ा सा ना एक डाउट हो रहा है कि लाइक मुझे थोड़ी ज्यादा कॉप लग रही है। क्रॉप पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने सोचा था कि शायद मैं इसको ऑफिस में पहन सकती हूँ, बट आई थिंक आई कैन नॉट। क्रॉप तो है, ये टी शर्ट काफ़ी क्रॉप है, बट यस क्वालिटी अच्छी है। सो ये दोनों चीज़ें मैंने मिंत्रा से ली है, एंड द ब्रांड इज H&M, तो क्वालिटी तो ऑब्वियसली अच्छी है। चलो मैं आगे तो दिखाती हूँ कि मैंने और क्या लिया है, बट उससे पहले मुझे यार एक और चीज़ बता दो, आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, कुछ कॉमेंट्स बताओ ना यार कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, आप लोगों को हॉल वीडियोस कैसी लगती हैं, व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और मेरे ब्रेड एंड टोस्ट को भी सब्सक्राइब करते रहो। ओके, सो फिर से अपनी ब्लैबरिंग बंद करती हूँ और मैं दिखाती हूँ मैंने नेक्स्ट चीज़ क्या लिया है। सो नेक्स्ट चीज़ जो है, जो मैंने लिया है, इज दिस शॉर्ट कुर्ती दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, इट्स अ बेसिकली अ ट्यूनिक। तो इसमें ना मेरी बहुत टाइम से नज़र थी, कि मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं ये ले लूँ, बट इसका प्राइस आई थिंक 600 समथिंग हमेशा शो होता था, तो मैंने सोचा था कि लेट्स वेट फॉर सेल, और ये सेल पे मैंने लिया है, एंड नाउ एंड यस सेल पे वेट करने का फायदा तो मुझे हुआ है, क्योंकि आई थिंक ये मुझे
385 समथिंग मिल गई है, मैं आपको कहीं मेंशन कर दूंगी। सो यस, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं इसको एक बार ऑफिस में पहन के जा चुकी हूँ एंड आई रियली लाइक इट। इसमें बेसिकली एज यू कैन सी स्लीव्स में यहाँ पे फ्लैप भी दिया हुआ है, सो आप इसको चाहो तो यहाँ पे बटन के थ्रू बंद कर सकते हो। फ्रंट ओपनिंग है, प्रिंट ऑसम है, आई रियली लाइक दिस कलर, सो यस आई रियली लाइक दिस एज वेल। सो नेक्स्ट थिंग जो है ना, अभी तो मैंने इसको खोल के ट्राई भी नहीं किया है, तो मैं अभी लोगों के सामने इसको खोलने वाली हूँ। सो दिस इज द कुर्ती दैट आई हैव गॉट एंड इसके साइड्स में यहाँ पे टेसल एंड कॉर्ड दिया हुआ है, सो आप इसको टाई कर सकते हो एंड द कलर इज छोटे छोटे इसके टैग बने हुए हैं जो कि नेवी ब्लू एंड डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू के कॉम्बो में है। सो सिंपल सी कुर्ती है एंड दिस इज अ ब्रांड फ्रॉम हेयर एंड नाउ, सो कुर्ती बहुत ही प्यारी लग रही है और ये मैंने स्मॉल साइज में ही मंगाया है। लेट मी सी, यस मैंने स्मॉल साइज में मंगाया है इसको, तो मैंने इसलिए इसको सिंपल मंगाया क्योंकि मुझे लगा कि आई कैन स्टाइल इट इन सो मेनी वेज। सो यहाँ पे इसके यहाँ पे फ्लैप है एंड फ्लैप हटाते ही आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वुडन बटन है जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। सो क्वालिटी वाइज आई वुड से इट्स गुड एंड द लास्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इज दिस थिंग फ्रॉम द ब्रांड Berry Lush and is this a skirt? So ये बहुत ही प्यारी छोटी सी mini skirt है and I really like this and मैंने पहले सोचा था मैं इसको just try करती हूँ, maybe मुझे भी शायद इसकी quality अच्छी नहीं लगने वाली है, but somehow I really like this quality as well. So I guess ये मुझे 300 something, मैं कहीं mention कर दूंगी कितने में मुझे मिली है ये, but sale पे ना शॉपिंग करने का अलग ही मजा होता है। सो अगर आपको इस हॉल में से कुछ भी अगर आपको चाहिए ना, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बेटी से बात क्या कर रहे हो, सेल अभी भी है सो जाके ले सकते। इवन आप लोगों को मुझे कमेंट्स बताओ कि आप लोगों ने सेल में को शॉपिंग की और की तो क्या की, सो कॉमेंट में जरूर बताना अपने थॉट्स। फिलहाल इस स्कर्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैं इसको एक बार स्टाइल कर चुकी हूँ एंड आई रियली लाइक इट। So that's all I got from Myntra and अगर आप लोगों को मेरी Myntra haul अगर अच्छी लग रही है, basically what I've got versus what I've received, so मैं एक बार इसका एक वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। So तब तक के लिए मैं जाती हूँ और प्लीज़ शावर योर लव टू माई वीडियो एंड आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू नो वॉट यू हैव टू डू, बी फैशनेटिव।